तो दोस्तों आज हूँ नैनीताल के अंदर और नैनीताल से जा रहा हूँ रानीखेत। लेकिन एक लोकेशन आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। जब आप रानीखेत जाते हो नैनीताल से तो रास्ते में पड़ती है ये लोकेशन। और ये देखो भाई, इसका बैकग्राउंड ये कुछ ऐसा सीन है और बराबर में एक नदी बह रही है, तो वहाँ पे जो बहुत मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि नदी का जो लुक है और जो पहाड़ों का लुक है वो आपकी तबीयत को खुश कर देगा। तो अगर आप रानीखेत जाते हो नैनीताल से तो रास्ते में यहाँ ज़रूर रुको। एक टर्न जा रहा है लेफ्ट साइड को और वहाँ पर ये जो है ये पुल है, इस पुल पर आपको आना है। और इस पुल पर आने के बाद आपको लगेगा कि भाई वाकई में ये सीन बन गया, क्योंकि जो व्यू यहाँ पे क्रिएट होता है और जो मज़ा आपको यहाँ आता है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो भी आप करते हो, तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है यहाँ का माहौल। तो दोस्तों आपको नदी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि ऐसा कल कल पानी बह रहा है, तो रानीखेत जाते हुए रास्ते में पड़ती है ये जगह, यहाँ पर ज़रूर रुकें और थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पर ज़रूर स्पेंड करें। तो ये देखो भाई सामने के पहाड़, क्या चीज़ आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर ऑन द वे टू रानीखेत। तो रानीखेत जाते वक्त यहाँ पर ज़रूर रुकना है, ज़रूर आपको यहाँ पर टाइम स्पेंड करना है और बहुत ज़्यादा मज़ा आपको यहाँ पर आएगा, यकीन मानो आपकी तबीयत इस जगह आकर खुश हो जाएगी। तो नीचे चलते हैं, दिखाते हैं नदी कैसी है और उसका भी लुक आपको नीचे चलकर दिखाएंगे। तो दोस्तों अब मैं फाइनली नीचे आ चुका हूँ और नीचे आने के बाद ये नदी देखो आप, ये है यहाँ पर रानीखेत के रास्ते में व्यू। और ये जो नदी बह रही है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, तो ऐसा सीन है यहाँ पर भाई, मतलब नीचे आना बनता है, ज़बरदस्त जगह है। और ये देखो सीन, तो ये यार मज़े हैं यहाँ पर। और ये भाई पानी का सीन, पानी का बहाव, मैं आपको दिखाता हूँ नेचुरल साउंड्स। म्यूज़िक अपनी वीडियोज़ में यूज़ नहीं करता, क्योंकि जिस जगह जाता हूँ उस जगह का फील, उस जगह का नेचुरल आपको ब्यूटी और नेचुरल म्यूज़िक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, कि नेचर की जो आवाज़ है वो अपने आप में म्यूज़िक है, किसी म्यूज़िक की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सीन आप देख रहे होंगे, पानी की कलकल, ये सारी चीज़ है यहाँ पर, ज़बरदस्त जगह है ये, यहाँ पर रुकना बनता है अगर आप जा रहे हो रानीखेत। तो रानीखेत जाने से पहले ये नदी पड़ती है, यहाँ पर नीचे उतर कर आ जाओ और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा मज़ा यहाँ पर आपको आएगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये व्यू है यहाँ पर और ये कुछ नज़ारे बन पड़े हैं, ज़बरदस्त टूर होता हुआ, ज़बरदस्त नज़ारे पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में। और यहाँ पर पशु पक्षी बहुत ज़्यादा और तरह तरह की यहाँ पे चिड़ियाँ आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, जो आपके ट्रिप में चार चांद लगा देती हैं। तो ये मैं कुछ आपको सीन दिखा रहा हूँ, यहाँ पर रास्ते में पड़ती है ये जगह रानीखेत के, तो कुछ ऐसा यहाँ पर नज़ारा हो जाता है और जो आपके दिल को खुश कर देता है। और ये कुछ जगह है यहाँ पर आस पास, कुछ ऐसा व्यू है और कुछ ऐसे पहाड़।